ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है आपके न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर। क्या आपने किसी मुर्दे को घूमते फिरते खाते पीते या फिर अपना सारा काम करते देखा है? यदि नहीं तो आप गढ़वा चले आइए, यहां आपको कुछ ऐसा ही मिल जाएगा, क्योंकि यहां 86 जीवित व्यक्तियों को सरकारी कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनके नाम राशन कार्ड से काट दिए गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें पूरे गांव का 86 व्यक्ति का इस तरह से क्यों काटा? वो हम लोगों को मृत्यु घोषित कर दिया गया, घोषित करके काटा गया। हमने के कार्ड राशन कार्ड नहीं मिला भाई। का है? मृत्यु घोषित कर दिया है डेल साहब। कितना परिवार के? 6 आदमी के। कितना दिन से राशन नहीं मिला? 6 साल से नहीं मिल रहा है। कारण यही है कि बोलते हैं कि ऑनलाइन आप लोगों को नहीं चढ़ा, ये नहीं है वो नहीं है, मृत घोषित कर दिया वो आदमी। कितने लोगों को मृत घोषित किया गया? करीब करीब 86 आदमी। क्यों नहीं मिलता आपको? अब राशन नहीं मिला कि बोले कि आप लोग का राशन नहीं है, फिर गए तो कहे कि आप लोग सबके राशन कट गया। क्यों कट गया? अब क्यों कट गया कि सब कोरोना में मर गए थे, अब हमने जीता, अब जीता होके मरल हम तो अब जीता होगा। गढ़वा के आपूर्ति विभाग की लापरवाही, 86 जीवित लोगों को घोषित कर दिया मृत, कई ग्रामीणों को कोरोना में मृत घोषित किया गया। ग्रामीणों ने डीसी के जनता दरबार में उठाया मामला, डीसी ने वीडियो को दिया जांच का आदेश। इन 4 लोगों के साथ कांडी प्रखंड के जयनगर गांव में 86 ऐसे लोग हैं जिन्हें कागजों पर उनके परिवार के साथ मृत घोषित कर दिया गया है। जैसा कि आपने सुना कि इनमें से कुछ को कोरोना काल में तो कुछ को उससे पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था, और मृत घोषित करते हुए इनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है। आज इन्हें अपने आप को जिंदा रहने का सबूत देना पड़ रहा है और ये सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि राशन डीलर ने उनके साथ मनमानी की है। जब हमने राशन डीलर से बात की तो उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताते हुए सारा दोष प्रखंड और गांव के कुछ लोगों पर डाल दिया। हम सर कार्ड न बनाने का हमारा पावर है वहाँ, नासी कटवाने का पावर। अच्छा, किसका गलती से हुआ है? किसका गलती से ऐसा हुआ? कुछ तो लोग का कहे कि अपना गांव से लोग गया है, अब कोई मान ली किसी का हर नहीं जोत रहा है कि जो कुछ वहां जाके पहले कटवा दिया। 20 रकम पेचा पेची से कहां लोग कटा। हम लोग इतना परिवार एक बार कैसे कट गया? आपका लापरवाही कुछ होगा? नहीं, हमारा लापरवाही, हमारा तो वहां से जो भी लिस्ट बन के मिलेगा, जो भी राशन हमको मिलेगा उतना हम राशन दे देंगे। अगर लिस्ट में हमारा हर एक महीना में हम लोग लिस्ट निकालते हैं, हर एक महीना बढ़ता है घटता है। ग्रामीणों ने इस बाबत प्रखंड के विकास पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को जानकारी दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले 6 सालों से इन्हें राशन नहीं मिल रहा है। फिर ये मामला उपायुक्त के जनता दरबार में पहुंचा। उपायुक्त ने इस मामले पर वीडियो को जांच के आदेश दिए हैं। गलत तरीके से मृत बताते हुए हम लोगों के कार्ड से नाम हटाए गए हैं, तो मैंने तत्काल वीडियो से टेलीफोन पे बात करके उनको निर्देश दिया है कि उस गांव में जाके जो भी फैक्ट्स उस आवेदन में है उसको वेरीफाई करें, और अगर वो लोग अर्हता रखते हैं तो उनको राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन जनरेट करा के अगले 10 दिन के अंदर हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अगर इनका गलत तरीके से नाम किसी कर्मी पदाधिकारी के कारण कटा होगा तो उसको हम लोग शोकॉज करेंगे। ग्रामीणों का मानना है कि डीसी के आदेश के बाद वीडियो आए तो जरूर, लेकिन कुछ मिनटों में ही चले गए। तो क्या इस मामले पर निष्पक्ष जांच हो पाएगी? क्या कार्ड को पुनर्जीवित किया जाएगा? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? हम चाहते हैं कि इसको जांच करावे, और जांच कराकर जो है उनका जो है राशन कार्ड पुनर्जीवित करेंगे, और दोषी व्यक्ति जो डीलर है जो इस तरह के काम किया है उस पर कार्रवाई करेंगे। इस मामले में डीलर अपने आप को निर्दोष बता रहा है। आपूर्ति विभाग की कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है और जांच जारी है। ऐसे में सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, ताकि लोगों को न्याय मिले और दोषियों को उनके कर्म की सजा मिले। न्यूज 11 भारत के लिए गढ़वा से आशीष की रिपोर्ट। तो झारखंड में ऐसी खबरें बहुत आती हैं, हालांकि आमतौर पर ये खबरें हमने तब देखी होंगी जब हमें ये पता चलता है कि किसी को मुर्दा दिखाकर उसकी जमीन हड़प ली गई हो, वंशावली में उसका नाम हटा दिया गया हो और जमीन अपने नाम कर ली गई हो। लेकिन यह मामला थोड़ा हटकर है, थोड़ा अलग है। यहां पर 86 लोग, एक दो मामले तो आते रहते, यहां पर 86 लोग एक साथ ऐसे पाए गए हैं जिनका नाम इस सूची में नहीं है जिससे उन्हें राशन मिलता है। तो क्या इसके पीछे की वजह, रुक करते हमारे सहयोगी आशीष का, जो हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए जुड़े। आशीष,
आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा, क्या एक एक करके इनका नाम कटा है या फिर एक साथ इकट्ठा 86 नाम काट दिए गए कि ये लोग खत्म हो गए कोरोना में, कोरोना ने ले लिया इनको, कैसे हुआ था ये 86 लोग एक साथ कैसे? कांडी प्रखंड है, गढ़वा जिला के अंतर्गत प्रखंड है, उसके गांव है जयनगरा। ये जयनगरा का मामला है। देखिए होता है ऐसा, ये है कि आपूर्ति विभाग के द्वारा जो डीलर डिपुट होते हैं, डीलर जो होते हैं, जो सप्लाई आता है उनके पास, अंत्योदय का या जो भी अनाज वहां जाता है, उनका देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन में ऐसे लोगों को उनका लिस्ट बना के भेजा जाता है गांव से, जो व्यक्ति मृत हो जाते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डीलर के काफी ज्यादा भारी लापरवाही है, क्योंकि 6 साल पहले कोरोना काल तो फिलहाल साल 2 साल से है, उनका गांव वालों का कहना है कि हम 6 साल से हमें मृत घोषित किया गया है। और वे जब गांव वालों ने पोर्टल से देखा, क्योंकि उनको जब वो जाते थे डीलर के पास तो बोलता था कि नहीं आप लोग का अनाज नहीं, आप लोग का नाम कट गया है, तो गांव के लोग चूंकि सीधे से आए थे उनको पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन नाम नहीं पड़ रहा है, हर बार प्रयास करते थे डीलर के पास जाते थे। लेकिन फाइनली जब उन्होंने देखा कि पोर्टल पर जब उन्होंने देखने का प्रयास किया तो देखा कि 6 साल से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। और मृत राशन कार्ड में आप समझ लीजिए पंकज, की राशन कार्ड का कितना अहमियत होता है हर मामले में, हर चीज में डॉक्यूमेंट्स में राशन कार्ड लगाया जाता है, आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड भी, चूंकि जो गरीब लोग होते हैं क्योंकि उन्हें लाल अपने आप बीपीएल का जो प्रोसेस होता है उसको साबित करने के लिए राशन कार्ड दिखाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सोच रही है कि वो डीलर कितनी भारी लापरवाही है। और मैं बता दूं कि डीलर इसके पहले भी कितना बार लापरवाही कर चुका है, 4 से 5 बार पहले उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वो अधिकारियों को पैसा खिला के उसके बल पे दोबारा वो अपना डीलर होता है। तो ये जो उस गांव का जयनगरा का रहने वाला है, उसका तो व्यवहार देखिए, व्यवहार के बारे में भी उसका बहुत गलत व्यवहार है। लेकिन फिलहाल जो गढ़वा डीसी है रमेश कोहलक, लोगों को जानकारी मिला कि रमेश कोहलक जनता दरबार लगाते हैं, चूंकि ऑलरेडी और जिला में 2 दिन जनता दरबार होता है, लेकिन गढ़वा जिला में सोमवार बुधवार शुक्रवार 3 दिन जनता दरबार लगता है। तो उसके मद्देनजर जब गांव वालों ने आया तो जो यहां के डीसी हैं रमेश कुलप, उनको पता चला, उन्हें तुरंत फोन किया वहां के वीडियो को, वीडियो जब जाकर जानकारी लिया तो सच्चाई सामने आया, क्योंकि ऐसा मामला है 86 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, डीलर की लापरवाही से मृत घोषित कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल की स्थिति है कि स्थानीय जो डीसी है काफी एक्टिव है, उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई करेंगे, और इसे तमाम अधिकारी जो इसमें मिली भगत है, चाहे वो आपूर्ति विभाग के जिसके पहले, चूंकि 6 साल पहले का मामला है तो इनके रीजन से पहले का मामला है, अब ये फिलहाल इनकी जानकारी में मामला भी आया है, तो ये देखिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं कहे कि हम तमाम। आशीष, एक सवाल मेरे मन में आशीष हुआ है कि जाहिर सी बात है, देखिए अब जिन लोगों के नाम उस सूची से हटाए गए, जाहिर सी बात है उनके लिए राशन तो आता नहीं होगा, तो ऐसे में डीलर को भी कोई खास फायदा होता नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब राशन आएगा तभी तो बेच पाएगा या कुछ बचा पाएगा या चोरी कर पाएगा, राशन आता नहीं, क्या इसके पीछे कोई निजी रंजिश या किसी तरह का कोई विवाद उन लोगों के साथ तो नहीं है पीडीएस डीलर का? दुकानदार जो होता है कमीशन तो उनको बिल्कुल कम कहा जाता है कि 1 रुपए और 2 रुपए पर हम काम करते हैं, लेकिन तमाम आप ऐसे पीडीएस डीलर को देखिएगा जो खासकर झारखंड की मैं बात करूं, तो कोई भी ऐसा डीलर नहीं है जो मंथली में 50,000 से लेकर 1-1.5 लाख तक की कमाई नहीं करता है। बिल्कुल, हमेशा हम लोग खबर दिखाते हैं कि कैसे राशन का घोटाला हो जाता है, कैसे 2-2 महीने तक राशन नहीं मिलता है, कैसे बीच में सही राशन को बेच दिया जाता है, ये तमाम हम लोग खबर दिखाते रहते हैं अक्सर। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप उसका विरोध कीजिएगा, अंदरूनी बातें हैं कि उस गांव वालों ने उसका विरोध किया था, चूंकि वो मैं पहले ही बताया कि ऐसा उसका बर्ताव है गांव वालों के साथ कि उसको 3 से 4 बार पहले भी उसको सस्पेंड किया गया। यही बात मैं पूछ रहा हूं, जब सूची में नाम ही नहीं है, यही बात है उनके नाम से राशन भी नहीं आता होगा, तो कोई इसके पीछे कोई विवाद किसी तरीके का या कोई रंजिश तो नहीं है? मैं बताया कि आपसी विवाद के चलते, चूंकि गांव के जो लोग थे काफी एक्टिव थे, तो उनकी निगाह रहता था हमेशा कहां से राशन जा रहा है, कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, कितना वितरण कर रहे हैं, और इसी मामले में देखिए वो सोचा कि इन लोग को हम आउट कर देते हैं, नहीं आएंगे और ना इस मामले को लेकर किचकिच होगा। तो इसके अलावा लेकिन मामला है कि 6 साल तक अधिकारी कहां से हुए थे, ऐसा नहीं तो पहली बार हुआ है, इसके पहले भी उनका बताना है कि हम लोग कई बार जिला के चक्कर काटे थे, कई बार हम लोग मिलने का प्रयास किए थे, लेकिन फिलहाल जो रमेश कुलप है इनका मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस मामले को उन्होंने संज्ञान लिया और काफी अच्छा है, एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, चाहे कई प्रकार के मामला मनरेगा से योजना में उन पर खया दर्ज करके काम कर रहे हैं, तमाम योजनाओं में काम कर रहे हैं और तमाम योजनाओं पर निगाह है, तो मुझे लगता है कि अगर वो एक्टिव है तो इन लोग को होना चाहिए, ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए, उनकी मिली फिक्र इस तरह से कम हुआ है, उसे डीलर को सस्पेंड होना चाहिए और सस्पेंड का उसके हमेशा के लिए लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि अब कल जाएगा कल फिर आएगा फिर ऐसे ही खेल करेगा, तो ये देखने वाली बातें होगी कि अब क्या होता है कार्रवाई से।
चलिए बहुत शुक्रिया। राशन कार्ड से वंचित हैं, उन्हें राशन कार्ड जल्द से जल्द मिल जाए, यही हमारी गुजारिश भी होगी जिला प्रशासन से, क्योंकि ये ऐसे गरीब लोग होते हैं जिन्हें राशन की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ राशन कार्ड का इस्तेमाल कई एक जगहों पर भी होता है, कई योजनाओं का अगर लाभ आपको लेना है तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। जाहिर सी बात है, न सिर्फ राशन बल्कि कई दूसरी चीजों से भी ये वंचित रह जाते होंगे, तो उन्हें ये राशन कार्ड जल्द से जल्द मिल जाए, ये हमारी गुजारिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष। और डंके की चोट में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 11 भारत पर लगातार जारी है, तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।